बस आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरे वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक व्यूवर्स मेरे वीडियो चैनल को जो है ना व्यू कर रहे हैं। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक और फॉल्ट शेयर करना चाहता हूँ कि कई मेरे फ्रेंड या दोस्त ये कहते हैं कि प्रिंटर में कुछ छोटी छोटी या समथिंग कुछ जिस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके लिहाज से उनका कोई ना कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता। तो उसके लिहाज से मैं आपको एक अभी तो मैं आपके साथ एक ये छोटी सी वीडियो शेयर करना चाहता हूँ कि ये भी ऐसा इशू है कि जो जनरली हर दूसरे तीसरे बंदे को आ सकता है, और इस तरह का इशू हर एक को फेस करना पड़ सकता है। तो उसमें ये है कि ये एक 20-35 प्रिंटर है। इस प्रिंटर का ये है कि जब सेकेंड ट्रे पे जब आप पेज रखते हैं, तो उसके ये सेकेंड ट्रे इसके दो इशू आ रहे थे। एक तो इसका पेपर नहीं पिक करता सेकेंड ट्रे से, और दूसरे ये है कि इसके जो है यहाँ पे ये जो रिले लगी हुई है, ये रिले इसकी ऑपरेट नहीं होती थी। अगर ये नीचे बैठती भी थी तो ये ऑपरेट ही नहीं होता था, और ना ही ये रोलर चलते थे, जिसकी वजह से पेपर पिक ही नहीं होता था। तो उसका क्या सलूशन है? ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि उसका वो रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं रिले के जरिए। दूसरी ये एक और रिले है जो मैं आपको दिखाने के लिए मैंने रखी हुई है। अब ये देखिए, इस ये रिले जब ऑपरेट होती है, या तो ये नीचे बैठ जाती है या फिर हिलती ही नहीं, अपनी जगह पे मूव ही नहीं होती। उस लिहाज से ये है कि आप लोगों के साथ इसके ये साइड पे स्प्रिंग लगा होता है, इस स्प्रिंग को आप निकाल लें ईजीली। निकालने के बाद ये वाली साइड इसकी निकल जाएगी, और आप ये देखिए ये वाली जो जगह है यहाँ पे आपने क्या करना है कि थोड़ी सी मोटी थिकनेस वाली टेप लगा दें, ताकि ये है कि इसमें थोड़ा सा गैप आ सके इस चीज़ में। उसके लिए आप ब्लैक टेप यूज़ कर सकते हैं, ये जिस तरह की ये ब्लैक टेप है, ब्लैक टेप को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस टेप को मैं इस जगह पे लगा देता हूँ। ये ब्लैक टेप मैंने लगा दी, लगाने के बाद मैं इसको वापस अपनी जगह पे लगा दूंगा रिले को। और साथ वो स्प्रिंग भी उसी तरीके से आपने वापस लगा देना है। ये देखें, अब ये रिले जो है, इस तरह करने से कई लोग ये समझते होंगे कि रिले ख़राब हो गई है, या इस पर कोई प्रॉब्लम आ गई है, या डैमेज हो चुकी है, या ये शॉर्ट हो चुकी है। इसमें सबसे मेन चीज़ आपको ये बताऊँ, या तो इसकी रिले का फंक्शन जब नहीं करेगी तो इसका ये केबल डैमेज हो सकती है। अगर केबल डैमेज नहीं है तो रिले जाते हुए इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपकी ख़राब हो जाए। इसलिए रिले को आप ये कभी मत समझे कि रिले ख़राब है। हाँ, रिले के रिले साथ रिलेटेड जो सर्किट है वो ख़राब हो सकता है। तो इस लिहाज से जब इसको वापस लगा दिया, इसको लगाने के बाद आप कोई भी पेज लगा के इसको मैं आपको प्रिंट चेक करा देता हूँ। अभी मैं प्रिंट दूंगा और वो उसका प्रिंटिंग आप देखिएगा। देखिए रिले चल रही है और रिले ऑपरेट होकर उसकी रोक लिया। मैं एक प्रिंट और देता हूँ, ये देखिएगा, ये ऑपरेट होगी, रिले ऑपरेट होकर इसको क्लच पे उसने मूव किया और आपका प्रिंट निकला है। तो ज़्यादातर व्यूवर ये इस रिले का इस क्लच के साथ इशू होता है कि रिले जो है या तो नीचे प्रेस हो जाएगी, जब नीचे प्रेस हो जाएगी तो इसका ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, जिसकी वजह से आपकी ट्रे से कंटिन्यूसली पेपर वो पिक करता रहेगा। तो या फिर ये है कि ये रिले जो है ऑपरेट ही नहीं होगी, कि यहाँ पे रुकी है, यहीं पे रुकी रहेगी, जिसकी वजह से पेपर स्किप होते रहेंगे, आपका पेपर ये पिक ही नहीं करेगा। तो इस तरह के इशू हैं। ये वाला इशू अगर आपको आप किसी प्रिंटर में आता है, चाहे वो आप 20-35 हो, या 400 हो, या 402 हो, या कोई और मॉडल हो, उसमें अगर इस तरह का इशू आए तो आपको जनरली ये ध्यान में रखना चाहिए कि रिले का इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
तो व्यूवर्स, आपका मेरे चैनल को पसंद करने का और मेरी वीडियो को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों की ही वजह से मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं आगे और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कर रहा हूँ। और आगे और कोशिश है मेरी कि जो जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो मुझे कमेंट्स में आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं उसके मुताबिक मैं वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों को वो उसका गाइडेंस देता रहूं ताकि आप उस चीज़ को इजीली उस चीज़ का सलूशन निकाल सकें और उसको हल कर सकें। तो व्यूअर्स, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।